भाई 2015 में बावजूद सीमांचल गांधी हमारे दूसरी पार्टी में थे, उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी पार्टी की परवाह किए बगैर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ साहब के साथ डिनर किया और अपने लोगों को लगाया कि मैं जिस लड़ाई को लेकर लड़ रहा था मैं अब कमजोर हो गया हूं, बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि मेरा सागिर अफ्तुल इमान जिस पार्टी को लेकर आया है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को भी मैं जानता हूं, उनके बाप को भी जानता हूं, ये जमामर्द लोग हैं, इन्होंने अगर हैदराबाद को तब्दील किया तो सीमांचल को तब्दील किया, इनके बड़े एहसानात रहे हैं और आज उसी खानवादा के चश्मो चिराग और वहां के चौकी के एमएलए जो राजद के एमएलए रहे, लेकिन आज इनको विश्वास हुआ, बड़े भाई दूसरी पार्टी में है चले गए, लेकिन इनको विश्वास हुआ कि नहीं साहब उस पार्टी में मैं था तो बड़ी बात रही थी, अगर एमआईएम में हम इलेक्शन लड़ेंगे तो सिर्फ हम एमएलए नहीं बनेंगे बल्कि जनाब मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के सपने को शर्मिंदे ताबीर करने के लिए जो पार्टी लड़ रही है, मेरे अब्बा के रूह को सुकून भी इससे पहुंचेगा, ये कदम इससे उठाया और इस काम के लिए जनाब मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर साहब जिन्होंने कौमी सतह पर हर जगह एमआईएम की बड़ी मजबूत तर्जुमानी की है और ओवैसी साहब को अपना कायद माना है, हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आज के दिन में बहुत सारे लोग टिकट के उम्मीदवार थे, कोई पार्टी छोड़ के भागा, किसी ने गालियां दी, किसी ने इल्जाम लगाए, लेकिन मौलाना ने अपने मुकाम को और अपने मोहतरम मकाम को के साथ कोई समझौता होने नहीं दिया। उनके चंद शहदाई हैं, अभी भी यहां रंज हो रहे थे, यकीनन है कि जो लोग इनके साथ होते हैं तो उनको रंज होता है, इनसे मोहब्बत की दलील है, लेकिन मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि अगर मौलाना ने जनाबे भाई शहनवाज साहब की हिमायत का ऐलान किया है तो सच्चे हमदर्द अगर मौलाना के हैं तो अपने इमाम की पैरवी कीजिए, इमाम से पहले रुकू सुजूद में जो होता है वो जमात का बागी होता है, जमात का हमदर्द नहीं होता है, मौलाना ने जो कदम उठाया है उसका साथ दीजिए और मौलाना को मैं इसके लिए मुबारकबाद देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि एमआईएम सीमांचल में नई तारीख रकम करेगी और लाखों जो यहां पर आबादी है, मजलूम आबादी, भिड़कती हुई आबादी, भूख से परेशान आबादी, नदियों से कटी हुई आबादी, पलायन का दंश झेलने वाली आबादी, ऐसे लोगों के लिए हम लोग इंसाफ का काम कर सकेंगे। हम अपने दिल की गहराइयों से एमआईएम बिहार की जानिब से और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तब भी हम यह पैगाम पहुंचाएंगे कि जनाब बिरादर अब्दुल्ला सालिम कमर कासमी साहब ने जो कुर्बानी दी है पार्टी इसको कभी फरामोश नहीं सीमांचल की बहुत बड़ी तारीफ की गई है। हमारे जो कि हाट विधानसभा के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी हमारे बड़े भाई शाहनवाज आलम के हाथ उनके सपुर्द की गई। मैं जो कि हाट विधानसभा का मैं प्रखंड अध्यक्ष हूं और पिछले कई साल से पूरे इखलास के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करने के लिए रियासती सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब के गाइडलाइन और कौमी सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पैगाम को हर घर तक पहुंचाने की हमने कोशिश की, लेकिन ये वक्त है जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं उस मेहनत को ताकत में बदलने का और वो वक्त आ चुका है। तो नुमाइंदगी जो कि हाट के अंदर मजलिस की तरफ से हमारे बड़े भाई शाहनवाज आलम साहब करेंगे। मैं पार्टी के फैसले का एहतराम करते हुए मैं अपने तमाम कारकुनान से मैं ये दरख्वास्त करता हूं, गुजारिश करता हूं कि अगर आपको वाकईतन मुझसे मोहब्बत है तो आपको दुख होगा, लेकिन अगर आपको पार्टी से मोहब्बत है तो आपको दुख नहीं होगा, बल्कि हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर पार्टी को एमआईएम को इस वक्त कामयाब करने की पूरी कोशिश कीजिए। और मैं अपने सर से लेकर पैर तक मैं वादा करता हूं 24 घंटे के अंदर जितने लम्हे होते हैं इंशाअल्लाह हम पार्टी को कामयाब करने के लिए पूरे बिहार के अंदर खुसूसन जो कि हाट के अंदर हर मुमकिन कोशिश करेंगे और हम पार्टी को कामयाब करने के लिए हर हद तक इंशाअल्लाह मेहनत और जिद्दोजहद हम जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नई बात नहीं, मैं तो मैंने कहा पूरे बिहार और अमोर सीमांचल तो खुसूसन हमारी नजर है,
और जहां तक हो सके पार्टी के लिए, जहां पार्टी मुझे इस्तेमाल करे, सदर साहब का हुक्म होगा, असद साहब का हुक्म होगा, जनाब अख्तरुल ईमान साहब का हुक्म होगा, इंशाअल्लाह मैं पार्टी को मजबूत करने के लिए वहां पे पहुंचूंगा। मैंने एक जुमला कहा था बहुत दिनों पहले, मैंने कहा था कि सदर साहब मैं पार्टी के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, इसलिए कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के अंदर सारी पार्टियां सबको लूट रही हैं, खुसूसन माइनॉरिटीज मुसलमानों को। अगर कोई मसीहा हमदर्द अगर किसी पार्टी के अंदर किसी को दिख रहा है तो वह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर वो हमदर्दी लोगों को नजर आ रही, इसलिए हमें मिलकर इस पार्टी को मजबूत करना है, इंतजार फैलाकर नहीं। सदर साहब मैं आपको बताऊं, जो कि हाट के अंदर भी ये माहौल है, लोगों ने ये इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि मौलाना अब्दुल्ला साहब बिक गए, उन्होंने अपने ईमान को बेच लिया। मेरे भाई आप ये इल्जाम न लगाओ, मैं बिका नहीं हूं, मैंने कोई किसी से किसी तरह का मजबूरी में आकर मैंने कोई समझौता नहीं किया, बल्कि ये पार्टी का जो फैसला है, पार्टी को मजबूत करने का जो फैसला है उसका मैंने एहतराम किया है, सदर साहब का एहतराम किया है, MIM के पैगाम का एहतराम हमने किया है। इससे मैं कहता हूँ इस तरह के इल्जाम लगाने से हमारी पार्टी कमजोर होगी, हमारी कौम कमजोर होगी। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ इंशाअल्लाह तबारक व ताला मिलकर हम लोग पूरे सीमांचल पूरे बिहार के अंदर जहाँ पर भी हमारी पार्टी लड़ रही है हम लोग एक नई तारीख रकम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा तादाद के अंदर हमारे MLAs पहुंचे सदन के अंदर ताकि हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडे तैयार किए जा रहे हैं उसके खिलाफ हम अपनी आवाज को बुलंद कर सकें। सबसे पहले मैं बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का, हमारे बड़े भाई, हमारे अब्बा के साथ कदम से कदम मिला के चलने वाले जनाब अख्तरुल ईमान साहब, चौकी से हमारे बड़े भाई मौलाना सालिम चतुर्वेदी साहब, तमाम मजलिस के मेंबरान, मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ ही साथ सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं मौलाना सालिम चतुर्वेदी साहब, आपकी कुर्बानी सीमांचल के लिए, पार्टी के लिए और आने वाले कल के लिए एक सबक बनेगा, एक एग्जाम्पल बनेगा। आज हर पार्टी में कई लोग हैं लेकिन मुझे चंद घंटे भी नहीं हुए हैं मजलिस में आने से, लेकिन देखने को मिला, समझने को मिला कि मैं उन लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं जो पार्टी के भलाई के लिए, पार्टी के उत्थान के लिए, पार्टी को बढ़ाने के लिए किसी भी कुर्बानी तक, किसी भी हद तक जा सकते। और मुझे उम्मीद है आपके सरपरस्ती में, आप सबों के सरपरस्ती में मुझे जो पार्टी का मोटिव है, संविधान है, जो मिशन है, उसको मैं सीमांचल के घर घर तक ले जाऊंगा। और आप जैसे तजुर्बाकार सियासतदान के साथ मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा, मुझे भी समझने का मौका मिलेगा और इंशाअल्लाह हम लोग पूरे सीमांचल में इस चुनाव में जहां जहां से AIM लड़ी है बड़ी ही मजबूती के साथ हम लोग आगे आएंगे। और मुझे उम्मीद है हर एक सीट पे हम लोग फतह हासिल करेंगे और आने वाले दिनों में मैं समझता हूं सीमांचल AIM पार्टी के नाम से जाना जाएगा। शुक्रिया।